सबको गुड आफ्टरनून। हाँ आ जाइए सब लोग। एक बार बता दीजिए, क्लियर है सब कुछ? वॉइस वीडियो सब क्लियर है? सबको गुड आफ्टरनून। वॉइस वीडियो सब क्लियर है? एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को टॉपिक मिल गया था ना, रेयान और नायलान, दो टॉपिक आपको मिला है, उससे रिलेटेड आज हमारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है? हाँ गुड आफ्टरनून। यहाँ पे देखना क्या है हमें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेयान के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ नायलान से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट को हम कवर करेंगे। शेयर कर देंगे क्लास को आप लोग? सविता जी ले लिया नाम, भाई किसी का नाम नहीं ले रही हूँ बहुत दिनों से। हाँ शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? आंसर बताते चलेंगे। अगर हम बात करें पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, पहला मानव निर्मित रेशा है, निर्मित रेशा कौन सा है, पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, जल्दी से आपको बता देना है। पहला दिया गया है नायलॉन है, दूसरा पॉइंट है रेयॉन है, तीसरा है रेशम और चौथा दिया गया है ऊन। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, शेयर कर दीजिए क्लास को। पहले तो सब लोग शेयर कर देंगे अपने अपने ग्रुप में। बिल्कुल, पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है तो आपको बता देना है रेयॉन है, ठीक है ना? रेयॉन क्या है? पहला मानव निर्मित रेशा है। अगर इनको इसमें से ऑप्शन यही है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें से कि प्रोटीन फाइबर कौन कौन सा है, जल्दी से बताइए प्रोटीन फाइबर कौन सा है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें से क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बताइए फिलामेंट फाइबर कौन कौन सा है, फिलामेंट फाइबर कौन कौन सा है, आप लोग आंसर बताते चलेंगे। आपसे पूछा जाए स्टेपल फाइबर कौन कौन सा है, इसी में से आपको बताना है स्टेपल फाइबर कौन कौन सा है, आंसर बताते चलेंगे जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहां पे आप बताएंगे थर्मोप्लास्टिक रेशा किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशा किसे कहेंगे, आंसर बताते चलिए। एक दो तीन एंड चार, ऑप्शन एक ही है, क्वेश्चन इतना सारा बन गया। प्रोटीन फाइबर, फिलामेंट फाइबर, स्टेपल फाइबर, थर्मोप्लास्टिक फाइबर। बहुत बढ़िया, फिलामेंट में सिल्क के अलावा कुछ नहीं आएगा क्या? फिलामेंट की अगर हम बात करें तो सब लोग सिल्क बता रहे हो, क्या ये रेयॉन या फिर नायलॉन नहीं आ सकता इसमें? जी बिल्कुल, आपको बताना प्रोटीन फाइबर कौन सा हो जाएगा, तो रेशम हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। फिलामेंट आपको पता है ना, नायलॉन और रेयॉन की लंबाई जो है हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें उसे कितना लंबा करना है, ठीक? तो यहाँ पे फिलामेंट फाइबर की बात करेंगे। रेशम तो आपको पता ही पता है, प्राकृतिक जगत का एक ऐसा रेशा होता है रेशम, जिसे हम फिलामेंट फाइबर के नाम से जानते हैं, और जो कृत्रिम जगत के जितने रेशे होते हैं ना सबको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो नायलॉन है ना ये भी किसमें आ जाता है, फिलामेंट में ही आएगा, क्लियर? चलिए यहाँ पे देखना क्या है, ऊन क्या है, आपको पता है ऊन है स्टेपल फाइबर, इंचेस में इसका मापन किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाता है, ठीक क्लियर? हाँ हाँ, सिल्क को छोड़कर सभी जितने कृत्रिम रेशे होते हैं सब फिलामेंट में काउंट किए जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ
कृत्रिम जगत के सारे रेशे फिलामेंट कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा रेयान की बात कर रहे हैं हम। रेयान में हमने देखा कि मानव निर्मित पहला रेशा रेयान आप लोगों ने बताया। एक बार और बता दीजिए, क्या रेयान केवल, यहाँ पे बात करें रेयान केवल केमिकल का बना होता है, रसायन का बना होता है, या फिर इसमें कोई और तत्व होता है? बताइए, अगर पूछा जाए कि रेयान का मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, रसायन है या फिर और कुछ है? रसायन है या फिर सेलुलोज है, क्या है? आंसर बताते चलेंगे। रेयान का मुख्य आधार है रसायन, जो केमिकल हम प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसका रॉ मटेरियल क्या है, और इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा इसमें सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मुख्य आधार क्या है? सेलुलोज। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। आपको पता है रेयान क्या है, 50-50, ठीक है ना, 50% इसमें केमिकल होता है, 50% सेलुलोज होता है। रेयान का मुख्य आधार क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी, बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार चमत्कार कहा जाता है, किस रेशे को 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है ये बताना है। पहला दिया गया है यहाँ पे रेयॉन को कहा जाता है, रेयॉन को कहा जाता है। दूसरा है नायलॉन को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है रेशम को कहा जाता है, और चौथा दिया गया है कपास को कहा जाता है। आंसर बताते चलेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया तैयारी हुई है आप लोगों की। 19वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहा जाता है, क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखा गया है। मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ बार बार, तो आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट कर लेंगे, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहा जाता है, बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहा जाता है, आंसर बताइए 20वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहा जाता है। नायलॉन को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 20वीं शताब्दी का चमत्कार किसे कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, जो है ऑप्शन सेम ही है, क्वेश्चन एक और यहाँ पे बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपको बताना है रेशम की नकल का परिणाम कौन सा रेशा है, बताइए रेशम की नकल का परिणाम कौन सा रेशा है, नकल का परिणाम कौन सा रेशा है, क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन भी है, आंसर बता देना है। रेशम की नकल का परिणाम कौन सा है, रेयान है, नायलॉन है, रेशम है, क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। रेशम की नकल का परिणाम, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। आपको बता देना है रेशम की नकल का परिणाम क्या है, रेयान है, ठीक है ना। क्यों बनाया गया, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि रेशम जो है दो चीजों से बन रहा है, क्या है ये, क्या है, मान लो यहाँ पे ये बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीड़ा है, ठीक है। अब इसके नाक के दोनों छिद्र से क्या निकलता है, एक से सेरेशिन नामक गोंद निकल रहा है, ठीक है ना, दूसरे से फाइब्रिन नामक प्रोटीन निकल रहा है, ठीक। अब इन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई रेशम जो है इन दो चीजों से मिलकर के बन रहा है, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाए, क्योंकि रेशम बहुत महंगा है, रेशम बहुत महंगा होने की वजह से सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचे इसकी, तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क का निर्माण कर दिया, और इसमें जिन तत्वों का इस्तेमाल किया, अभी हम उस तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेयान को ही हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो आपको बता देना है रेयान है। रेयान रेशम से सस्ता है, इसीलिए जन सामान्य तक इसकी पहुंच हो गई, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दे दिए। क्लियर, क्या हो गया, हाँ आर्टिफिशियल सिल्क है, रेयान है। कौन गुस्सा है, अब गुस्सा उस्सा निकाल दो, सब लोग पढ़ने में लग जाओ, एग्जाम देने के बाद एक दूसरे को खूब पीट लेना सब, ठीक है ना।
जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग तैयारी करो। एग्जाम होने के बाद जिसका जिससे जिसके साथ झगड़ा हुआ है, गुस्सा है, उसको पकड़ के पीट लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेयान का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है रेयान का अर्थ क्या है। आंसर बताइए। पहला दिया गया है सूर्य की किरणों का परावर्तन। पहला क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन, किरणों का परावर्तन। दूसरा दिया गया है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है किरणों का परावर्तन, किरणों का परावर्तन। तीसरा पॉइंट दिया गया है सूर्य की किरणों का अवशोषण, सूर्य की किरणों का अवशोषण। और चौथा दिया गया है सभी, चौथा पॉइंट दिया गया है सभी। बताइए रेयान का अर्थ क्या है। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर करते चलेंगे, ठीक है ना। और आज जो है अभी ऑफर का डेट है, तो आप लोग जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, फिर से इन्फॉर्म कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फी में, बेहतर क्लास, ठीक है ना। तो न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आज तीसरी क्लास हमने देखी है न्यू बैच में, दो क्लास आप लोगों को मिला था। आल पे चले गए, बताओ कितने लोग आल बता रहे हो। अच्छा आल जो बता रहे ना, जो सभी बता रहे ना, अगर पड़ोसी हो तो जाओ एक बार मार के आ जाओ भाई। जो लोग जो सभी यहाँ पे सभी बता रहे ना, अगर एक दूसरे के पड़ोसी हो ना, तो एक एक चोटी पकड़ के खींच लेना, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं रेयान का अर्थ क्या होता है। सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा सब गलत है, ठीक है ना। अगर एक दूसरे के पड़ोसी हो तो एक चोटी पकड़ के खींच लेना, बस यही बहुत है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाले चले गए भाई, हर जगह डी थोड़ी ना सही होगा, हर जगह सभी वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है हमें, रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। रेयॉन का पहला कारखाना, पहला कारखाना कहाँ खोला गया, कहाँ खोला गया, ये बताना है आपको। पहला दिया गया है फ्रांस में, दूसरा है अमेरिका में, तीसरा पॉइंट है इंग्लैंड में, और चौथा दिया गया है भारत में। आंसर बताइए। चलिए बताइए। हाँ, रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में। सबसे पहले रेयॉन का कारखाना कहाँ खोला गया, आंसर बताते चलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, अब छोड़ दीजिए हंसी मजाक को, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए बढ़िया लगता है, अब वही चीज लेके चले तो नहीं अच्छा लगता। फ्रांस में, बहुत बढ़िया, पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रांस में। रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है, फ्रांस में खोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब और कहां रेयॉन का उत्पादन शुरू हुआ, पूछा जा रहा है। भारत में कब और कहां, दोनों पूछा गया है, कहां रेयॉन का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ, रेयॉन का उत्पादन शुरू हुआ। भारत की बात की जा रही है, ठीक है, इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया में कहां और कब शुरू किया गया रेयॉन का उत्पादन। पहला दिया गया है 1946 केरल में, दूसरा पॉइंट है 1947 केरल में, तीसरा पॉइंट है 1950 केरल में, और चौथा दिया गया है 1980 केरल में। आंसर बताइए जल्दी से। हाँ केरल में, ये तो सबको पता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपसे डेट भी पूछा गया है, कब और कहाँ, भारत में कब और कहाँ रेयॉन का उत्पादन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले फ्रांस में आपको पता है शुरू किया गया जो है, लेकिन भारत की बात की जा रही, तो कहाँ और कब शुरू किया गया ये बताना है आपको। हाँ सारे बच्चे लाइक करते चलेंगे भाई। बहुत बढ़िया,
हैं यहाँ, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। बात करेंगे हम 1946 केरल की, ठीक है ना, 1946 में, 1946 में कहाँ पे खोला गया, कहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हुआ भारत में, तो आपको बता देना है केरल में। कब, तो आपको बताना है 1946 में केरल में, क्लियर है। हाँ, 1946 केरल में, केरल में पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पिन रेट के छिद्रों का व्यास कितना होता है, आपको बताना है स्पिन रेट के छिद्रों का व्यास कितना होता है, छिद्रों का व्यास कितना होता है। पहला दिया गया है 0.0002 इंच से लेकर के यहाँ पे 0.005 इंच होता है। दूसरा पॉइंट दिया है 0.003 से लेकर के यहाँ पे 0.005 होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है 3 से लेकर के 5 इंच होता है। और चौथा दिया गया है 10 से लेकर के 20 इंच का होता है। आंसर बताइए, हाँ क्या है स्पिन रेट, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जी, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, बीकानेरी बालम बताइए। हाँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे स्पिन रेट क्या होता है, इससे काम क्या किया जाता है, सब देखेंगे हम। पहला वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो आप लोग, पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। स्पिन रेट क्या होता है, तो आपने शावर सब लोग यूज करते हो ना, अभी गर्मी का मौसम है तो सब शावर से ही नहाते होंगे, ठीक। यहाँ पे देखना क्या है हमें, स्पिन रेट की बात करेंगे तो आपको बता देना है स्पिन रेट होता है किसके समान, सावर के समान होता है, ठीक है। क्या होता है ये, सावर के समान होता है, ये मान लीजिए हमारा सावर है, ठीक है ना, ये क्या है, सावर है। यहाँ पे क्या होता है, पतला पतला महीन महीन बारीक बारीक छिद्र होते हैं, और जब हमारा घोल तैयार होता है, जो भी जैसे हमें रेयान बनाना है, इसमें जितने भी केमिकल हैं, जो भी सेलुलोज है, उसको मिला करके हम एक घोल तैयार करते हैं, और घोल तैयार करने के बाद हम इसमें डालते हैं, स्पिन रेट में डालते हैं, और यहाँ से ये जो छिद्र लगा हुआ है ना, ये जो प्लेट लगी हुई होती है, यही से हमारा रेशा निकलता है। तो आपको बता देना है क्या है स्पिन रेट, सावर के समान एक यंत्र होता है जहां से जो भी रेशा हमें प्राप्त करना है, कृत्रिम रेशा, उसके घोल को डाला जाता है, और यहीं से जितना बारीक, जितना पतला, जितना मोटा हमें चाहिए रेशा, वो रेशा यहीं से निकलता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ओके जी, आ जाते हैं, अब छोड़ दीजिए सब कुछ, वही पॉइंट लेकर नहीं चलना है ना, समझ आ गया सबको। तो आपको, आपने समझ लिया कि स्पिन रेट क्या है, यंत्र होता है, और इसी में घोल को डाल करके फिर रेशे को प्राप्त किया जाता है। हाँ, प्लेटिनम का बना होता है, क्यों, ताकि जंग ना लगे। प्लेटिनम धातु का बना होता है क्योंकि प्लेटिनम पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है, इसलिए। चलिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन रेट जो है बहुत ज्यादा नहीं देखना है हमें, एक समझना था कि स्पिन रेट है क्या, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिलस्टिंग प्रोसेस किया जाता है किस पर, डिलस्टिंग प्रोसेस किया जाता है किस पर, क्यों किया जाता है भाई, डिलस्टिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, आपको बताना है क्यों किया जाता है डिलस्टिंग प्रोसेस, क्या होता है इससे, क्या होता है। पहला है चमक बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए हम डिलस्टिंग प्रोसेस करते हैं। दूसरा दिया है चमक को कम करने के लिए डिलस्टिंग प्रोसेस करते हैं। तीसरा पॉइंट है भार बढ़ाने के लिए किया जाता है। और चौथा पॉइंट दिया है भार कम करने के लिए किया जाता है। आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, रेयान पर किया जाता है, आपको ये नहीं बताना है कि किस पर किया जाता है, मेन फोकस हमारा किस पे है, तो आपको बताना है डिलस्टिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, इसका काम क्या है वो बताना है। हाँ, चमक बढ़ाने के लिए, चमक कम करने के लिए, बार बार जो है भार बढ़ाने के लिए, भार घटाने के लिए। बताते रहिए सब लोग, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, एक बार आप लोग और अच्छे से सोचिए कि डिलस्टिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है।
जी बिल्कुल, क्या किया जाता है डिलस्टिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं, तो आपको बताना है चमक को घटाने के लिए किया जाता है। हाँ, चमक को कम करने के लिए क्या किया जाता है, डिलस्टरिंग प्रोसेस किया जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है तो आपको बता देना है, इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन है वो क्या है तो आपको बता देना है, जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है टिटेनियम डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, टिटेनियम डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि डिलस्टिंग प्रोसेस में किसका इस्तेमाल किया जाता है, टिटेनियम डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मोम का प्रयोग भी कर सकते हो, पैराफिन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य जो है वो क्या है, टिटेनियम डाई ऑक्साइड होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हो या नहीं पीछे वाला। हाँ, टिटेनियम डाइऑक्साइड आप लोग पीछे वाला जो भी पढ़ाया गया है, हाँ, पैराफिन मोम इनका भी प्रयोग किया जाता है, उसका रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एक बार बता दीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन करते रहो, पीछे वाला पॉइंट छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुप्रा अमोनियम एवं बिस्कस रेयान शीघ्रता से जलने लगता है किस टेम्परेचर पर, आपको क्या बताना है, कुप्रा अमोनियम एवं बिस्कस रेयान शीघ्रता से जलने लगता है, इसका टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर पर ये जलने लगता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट दिया गया है 360 डिग्री फॉरेनहाइट पर, दूसरा है 380 डिग्री फॉरेनहाइट पर, तीसरा है 350 डिग्री फॉरेनहाइट पर, और चौथा दिया गया है 300 डिग्री फॉरेनहाइट पर। आंसर बताते चलेंगे, क्या है 360 डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर 380 डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर 350 डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर 300 फॉरेनहाइट, क्या होगा? नहीं, इसमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, बिस्कस रेयॉन कुप्रा अमोनियम एवं बिस्कस रेयॉन शीघ्रता से जलने लगता है 360 डिग्री फॉरेनहाइट, 380, 350 या फिर 300। जी बिल्कुल, 350 डिग्री फॉरेनहाइट पर क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बताना है एफटीसी का फुल फॉर्म, जल्दी से बताइए एफटीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, एफटीसी का फुल फॉर्म। एफटीसी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताते चलो भाई। क्वेश्चन पूछा गया फेडरल ट्रेड कमीशन, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको क्या बताना है, फेडरल ट्रेड कमीशन, ठीक है ना, ये क्या है, एफटीसी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेयॉन के मुख्य प्रकार हैं, रेयॉन के मुख्य कितने प्रकार हैं, रेयॉन के मुख्य कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं आपको ये बता देना है। पहला पॉइंट दिया गया है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है पांच, आंसर बताइए क्या होगा। रेयॉन के पूछा जा रहा है, रेयॉन के मुख्य कितने प्रकार हैं, हाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं, आप लोग ठीक है चलो तीन बता रहे हो, अगर यहां पे मैं आठ दे दूं तब क्या बताओगे, अब बताइए, यहां पे अगर आपका तीन वाला पॉइंट हट गया तब क्या बताओगे, रेयॉन के मुख्य कितने प्रकार हैं, अब बताइए आप क्या बताओगे, एक दो आठ पांच,
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको बताना है रेयॉन के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है पुनः निर्मित सेलुलोज, सेलुलोजिक रेयॉन इसे हम कहते हैं, और दूसरा क्या कहलाता है? सेलुलोजिक एसिटेट रेयॉन कहलाता है। एसिटेट रेयॉन का कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? एसिटेट रेयॉन कहते हैं। और पहला क्या है? तो आपको बताना है पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन कहलाता है, ठीक है ना? पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन कहलाता है, सेलुलोजिक रेयॉन कहलाता है। आप लोगों ने जो तीन बताया था ना, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहे, दो दिया रहे, तो आप इसको बताओगे पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन। और एसिटेट रेयॉन होता है, दो प्रकार का है रेयॉन का मुख्य प्रकार। अब यहाँ पे जो हम तीन प्रकार को पढ़ते हैं ना, वो कहाँ का है? तो पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है? तो आपको, आप लोग बताते हो नाइट्रोसेलुलोज है, नाइट्रोसेलुलोज है। दूसरा क्या है? तो कुप्रामोनियम हो गया, कुप्रामोनियम हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तो आपने बताया बिस्कस हो गया। क्लियर है ना? बिस्कस हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये जो पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन है, ये तीन प्रकार का है, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम, बिस्कस। और रेयॉन मुख्यतः दो प्रकार का है, पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेयॉन, एसिटेट रेयॉन। एसिटेट रेयॉन को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए जी, थैंक यू। हाँ सब लोग शेयर करते चलेंगे क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है, अमोनिया सिल्क के, अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है अमोनिया सिल्क के नाम से? पहला दिया गया है कुप्रामोनियम को कहते हैं अमोनिया सिल्क, दूसरा है या फिर नाइट्रोसेलुलोज को कहते हैं अमोनिया सिल्क, सेलुलोज को कहते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है बिस्कस रेयॉन को कहते हैं, या फिर चौथा दिया गया है सभी को कहते हैं। आंसर बताइए किसे कहा जाता है? अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है कुप्रामोनियम, नाइट्रोसेलुलोज, बिस्कस, सभी। अभी सभी वाले नहीं आए, चलिए बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, पहला वाला क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? किसे हम कहते हैं? तो आपको बता देना है कुप्रामोनियम को हम अमोनिया सिल्क के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? क्लास स्टार्ट हुए लगभग हो गया 30 मिनट से ज्यादा हुआ है। हाँ, कुप्रामोनियम को क्या कहते हैं? अमोनिया सिल्क के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना हमें, रेयॉन स्पिनिंग से, रेयॉन स्पिनिंग से, स्पिनिंग से कितने प्रकार का रेयॉन रेशा प्राप्त किया जाता है? कितने प्रकार का रेयॉन रेशा प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, रेयॉन स्पिनिंग से कितने प्रकार का रेयॉन रेशा प्राप्त किया जाता है? पहला दिया गया है एक रेशीय रेशा प्राप्त किया जाता है, दूसरा है बहुरेशीय प्राप्त किया जाता है, तीसरा पॉइंट दिया गया है स्पन प्राप्त किया जाता है, चौथा दिया गया है सभी प्राप्त किया जाता है। आंसर बताइए क्या होगा? हाँ बताते रहिए। रेयॉन स्पिनिंग से कितने प्रकार का रेयॉन रेशा प्राप्त किया जाता है? एक रेशी, बहुरेशी, स्पन, सभी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जी बिल्कुल,
यहाँ पे क्या है तो आपको बता देना है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक रेशी बहुरेशी और क्या प्राप्त किया जाता है, स्पन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेयॉन गीली अवस्था में कितने परसेंट मजबूती खो देता है। रेयॉन गीली अवस्था में कितने परसेंट मजबूती खो देता है, कितने परसेंट मजबूती खो देता है ये बताना है, ये बताइए आप लोग। पहला दिया गया है 4 से 5%, दूसरा है 6 से 8%, तीसरा पॉइंट दिया गया है 10 से 20%, और चौथा दिया है 40 से लेकर के 70% तक मजबूती खोता है। बताइए, देखिए यहाँ पे 4 to 5% दिया है, 6 to 8% है, 10 to 20% है, या फिर 40 to 70%, क्या होगा। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत बेहतर तरीके से हुई है आप लोगों की, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से तैयार करके आए हो, सबका आंसर करेक्ट दे रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 40 से लेकर के 70% मजबूती खो देता है क्या, तो आपको बता देना है रेयॉन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है आपको बताना है, ऊन से अधिक मजबूत परंतु सिल्क से कमजोर होता है क्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊन से मजबूत होता है, ऊन से मजबूत है और किससे, सिल्क से कमजोर है, सिल्क से कमजोर रेशा है, कौन सा रेशा है, आंसर बता दीजिए। ऊन से मजबूत, सिल्क से कमजोर रेशा है, नायलॉन है या फिर रेयॉन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ना। जी बिल्कुल, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, रेयॉन हो जाएगा, ठीक है ना। रेयॉन क्या है, वो ऊन से मजबूत है और सिल्क से क्या होता है, कमजोर होता है, रेयॉन होता है, ठीक है जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, यहां पे क्वेश्चन है अगला, संश्लेषित ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक रेशा है कौन सा है। पहला दिया गया है रेयॉन है, दूसरा है नायलॉन है, तीसरा है कपास दिया गया है, और चौथा दिया है यहां पे रेशम, आंसर बताइए क्या होगा। थैंक यू। संश्लेषित ताप सुनम्य, संश्लेषित रेशा, ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा है, कौन सा है, रेयॉन है, नायलॉन है, कपास है, रेशम है। अच्छा अभी भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर किसी के सहेली ने, किसी के दोस्त ने ना ए यहाँ पे लगाया है टिक, तो एक चुटकी खींच लो पकड़ के, एक चोटी खींचो जल्दी से। राम राम जी, राम राम। यहाँ पे देखना है, संश्लेषित रेशा, ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा हम किसे कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। एक चोटी खींचो पड़ोसी की। यहाँ पे देखना क्या है, रेयॉन नहीं होता भाई, रेयॉन क्या है, तो आपने देखा है कि मानव निर्मित रेशा है, इसे हम सेलुलोजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, 50+50% होता है दोनों, लेकिन अगर बात किया जाए 100% केमिकल का बना होता है क्या, तो नायलॉन बना होता है, ये 100% केमिकल का होता है, ठीक है। बारात देखने जाना है, क्या बात है वंदना जी, बहुत बार आप शादी में सच्ची में बहुत ज्यादा जाती हैं क्या। अच्छा शादी है किसी की आपके घर में, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नायलॉन को किस किस नाम से जानते हैं, एक बार आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, जो भी नाम आपको याद है ना वो नाम आप लोग बता दीजिए। इतनी गर्मी में बारात हाँ 100% केमिकल का होता है क्या, तो आपको बता देना है नायलॉन होता है। क्या क्या कहते हैं हम इसे, किस किस नाम से जानते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैजिक फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लीजिए, इसे हम जादुई रेशा कहते हैं, जादुई रेशा, मैजिक फाइबर कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो आपने देखा इसे हम संश्लेषित रेशे के नाम से जानते हैं, और क्या कहते हैं, इसे हम थर्मोप्लास्टिक रेशा कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशा कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे हम, और क्या कहते हैं, तो आपको पता है इसी को हम सुनम्य रेशा कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इजी लाइफ फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सुगम जीवन रेशे के नाम से जानते हैं, सुगम जीवन रेशा कहते हैं, इजी लाइफ फाइबर, इसे हम और क्या कहते हैं, धो एंड पहनो रेशा के नाम से जानते हैं, धो और पहनो रेशा के नाम से जानते हैं, मतलब वाश एंड वियर फाइबर के नाम से जाना जाता है। कितना सारा नाम है इसका, देख लीजिए क्या क्या नाम है, इसी को मैजिक फाइबर, संश्लेषित रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा, जीवन सुगम रेशा कहते हैं, इजी लाइफ फाइबर के नाम से जानते हैं, धो एंड पहनो, वॉश एंड वियर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेला देखना है, कौन जा रहा मेला देखने? चलिए एक क्वेश्चन और है, यहीं से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन सबसे पहले कहां बना, बताइए जल्दी से, सबसे पहले नायलॉन बना कहां, कहां बना बताइए। चलिए, सबसे पहले कहां बना नायलॉन रेशा, सबसे पहले कहां बना? जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, सबसे पहले बना कहाँ, अमेरिका में, ठीक है ना। नायलॉन का रेशा सबसे पहले कहाँ बना, तो आपको बता देना है अमेरिका में बना। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग ये बताइए कि जो नायलॉन फाइबर है क्या इसमें प्रतिस्थता और प्रत्यास्कंदता जो है दोनों पाया जाता है या दोनों नहीं पाया जाता है? नायलॉन की अगर हम बात करें तो क्या इसमें प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ये दोनों गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? हाँ या ना में जवाब देना है बस। हाँ, आपको इतना जवाब देना है, हाँ या ना में, दोनों पाया जाता है या दोनों नहीं पाया जाता है, एक पाया जाता है एक नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, नायलॉन रेशे में क्या है, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता दोनों का गुण होता है, ठीक है ना, प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता दोनों का गुण होता है, इसे हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, ये गंदा नहीं होता है, ठीक है, दोनों पाया जाता है, नहीं का मतलब नहीं है, ये प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता दोनों इसमें पाया जाता है। पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी होता है। मैं बार बार जब भी हम जो है टेक्सटाइल को पढ़ते हैं तो ये दो पॉइंट मैं जरूर सामने लाती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रत्यास्थता क्या है, प्रतिस्कंदता क्या है। तो जब भी प्रत्यास्थता की बात की जाएगी ना, तो उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब कि आप लंबाई में खींचो छोड़ दो, जैसे रबड़ होता है ना, हेयर बैंड होता है, इलास्टिक होता है, आप लंबाई में खींचते हो फिर छोड़ देते हो, वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे हम इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं। और प्रतिस्कंदता रेसिलेंसी होता है, आप किसी वस्तु पर दबाव डालते हो, दबाव देने के बाद जब आप छोड़ते हो पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे हम रेसिलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये दो पॉइंट भाई क्लियर कर लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या नायलॉन जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया होता है या नहीं होता है, बताइए नायलॉन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, क्या है? हाँ, दबाने पर जैसे, जी बिल्कुल, हाँ, आपको बताना है कि नायलॉन हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है, खराब है, कैसा है? अच्छा, इसमें इजी तो बहुत है ना, क्योंकि प्रेस करने की जरूरत नहीं, ज्यादा गंदा नहीं होगा, या फिर इसमें अवशोषक क्षमता भी, सारे गुण सारी क्वालिटी है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, नायलॉन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीमराइजेशन विधि द्वारा बनाया जाता है, आपको बताना है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन विधि द्वारा बनाया गया है, विधि द्वारा बनाया गया, बनाया गया,
कौन सा रेशा बनाया गया है? पहला दिया गया है रेयॉन बनाया गया, दूसरा है नायलॉन बनाया गया है, तीसरा पॉइंट है रेशम बना, और चौथा दिया गया है यहाँ पे कपास बना। आंसर बताइए, पॉलीमराइजेशन विधि द्वारा बनाया गया क्या? हाँ, इसके साथ ही साथ आप लोग नायलॉन के रॉ मटेरियल का नाम बता देंगे। नायलॉन रॉ मटेरियल नेम बताइए। इतना तो याद होगा ना कि नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, क्या क्या मिलाकर बनाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। पॉलीमराइजेशन विधि द्वारा क्या बनाया गया? तो आपको पता है, जब भी पॉलीमराइजेशन विधि की बात की जाती है तो इससे बनाया गया है क्या? नायलॉन बनाया गया है, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन विधि का मतलब क्या होता है? इसमें जो अणु होते हैं लीनियर फॉर्म में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, लीनियर फॉर्म में व्यवस्थित तरीके से, इनके बीच में क्या है, जगह नहीं होती है। इसीलिए जो नायलॉन का कपड़ा है ना, इसमें अवशोषक क्षमता, मतलब कोई भी, जैसे हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे कॉटन की बात कर ले, हम लिनन की बात कर ले, तो उसमें अवशोषक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो ये सूखने का गुण इसमें बहुत कम होता है। मतलब आप कपड़े को धुलेंगे, तुरंत डालेंगे, वो तुरंत सूख जाएगा। यहाँ पे जो है निकालने का भी इसमें गुण होता है, और इसमें धूल गंदगी नहीं बैठती क्योंकि इसके बीच में जगह नहीं है, एक लीनियर फॉर्म में इसमें सेट हो जाते हैं। क्लियर है ना? हाँ, नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है? तो आपको बताना है, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड होता है। क्लियर कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रिपीटेड फॉर्म में। क्या है रॉ मटेरियल? तो आपको बता देना है, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस क्या है, प्लस एडिपिक एसिड है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसके छः अणु को लेकर के और इसके छः अणुओं को लेकर के क्या बनाया गया, नायलॉन 6-6 बना दिया गया, ठीक है। नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है? तो आपने बताया कि हेक्सामिथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड। नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, नायलॉन 6-6 को नायलॉन नाम कब दिया गया? जब हम बात करेंगे नायलॉन 6-6 की, जब नायलॉन बना ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया, नायलॉन 6-6। क्यों? क्योंकि इसमें दो रसायन का प्रयोग किया गया था, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, दोनों के 6-6 अणुओं का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया, तो आपने बता दिया है इसमें नायलॉन बना दिया गया। और जब नायलॉन बनकर तैयार हुआ फर्स्ट बार, तो इसका नाम क्या पड़ गया, आपको बताना है, नायलॉन 6-6 पड़ा, और इसे नायलॉन नाम कब दिया गया, नायलॉन 6-6 हटा करके, तो आपको बताना है नायलॉन 6-6 को नायलॉन नाम कब दिया गया, नायलॉन नाम कब दिया गया, ये बताना है कब दिया गया। पहला दिया गया है 1937 में, दूसरा है 1938 में, तीसरा है 1940 में, और चौथा दिया गया है 1980 में। बताइए आंसर क्या होगा, 1936 में, 1938 में, 1940 में, या फिर 1980 में? आंसर बताते रहेंगे। हाँ, नायलॉन 6-6 को नायलॉन कब किया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं, बहुत बच्चों का करेक्ट आ भी रहा है। यहाँ पे जब हम नायलॉन 6-6 की बात करेंगे ना, तो नायलॉन 6-6 बनके तैयार कब हुआ था, तो आपको बता देना है 1937 में नायलॉन 6-6 बन करके तैयार हुआ, और 1938 में नायलॉन 6 को क्या नाम दिया गया, तो आपको बता देना है, नायलॉन 6-6 को नायलॉन नाम दे दिया गया,
ठीक है ना। नॉयलान 66 को नॉयलान नाम कब दिया गया, 1938 में। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। और 1940 की बात करें ना, तो 1940 में क्या हुआ था, नॉयलान का इतिहास हमने पढ़ा है, तो 1940 में नॉयलान जो है वो मार्केट में कपड़े के रूप में उतर गया था, ठीक है ना। मतलब 1940 में नॉयलान से बना हुआ वस्त्र मार्केट में उपलब्ध हो गया था, ये आपको ध्यान देना है। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। क्वेश्चन अभी बहुत है बट टाइम नहीं है। और ओके जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अभी जो है यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नंबर आपको थंबनेल पर शो हो रहा है उस नंबर पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ लाइक कर दीजिए भाई। हाँ अभी आप लोगों को जो है जो मॉर्निंग में क्लास हुई है, दो क्लास, उसका पीडीएफ शेयर करना है, तो अब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोनों क्लास का, मैनेजमेंट का और उसका, दोनों का। ओके जी, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे वाला रिपीट करते रहिए, ठीक है ना। पीछे वाला छोड़ना नहीं है। अगर आप 3 घंटे नई चीज़ों को सीखने में दे रहे हो ना, तो आप जो है 30 मिनट ही दो पुरानी चीज़ों को देखने के लिए हर दिन। चाहे आप 5 मिनट ही देखो, हर टॉपिक पर 2 मिनट दो, 5 मिनट दो, लेकिन दो, ताकि आपका पीछे वाला भूले नहीं और नई चीज़ों को आप सीखते चलो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ।